हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जीपी दायमा है। मैं गारवन शाकम्बर पीजी कॉलेज सामरलेक में बॉटनी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको पादपों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में, मूवमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। द टाइप ऑफ मूवमेंट्स ऑब्जर्व इन प्लांट्स। पादपों में मुख्यतः दो प्रकार की गति होती है। एक होती है फिजिकल यानी भौतिक गति और दूसरी होती है वाइटल मोमेंट, जिसको हम बोलते हैं जैविक गति। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल मोमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। भौतिक गतियां, फिजिकल मोमेंट्स, भौतिक गतियां उद्दीपनों के अभाव में उत्पन्न होती हैं। ये गतियां प्राय मृत या जीवित पादप अंगों में पाई जाती है, जो जल सांद्रता में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इनका जीव द्रव्य की उत्तेजनशीलता यानी इरिटेबिलिटी से कोई संबंध नहीं होता है। भौतिक गतियां भी दो प्रकार की होती है। पहली है आद्रता ग्रही यानी हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, अर्थात फर्ण में बीजाणु धनी का स्फुटन, एक्विजिटम, मार्केशिया, ब्रायोफाइट आदि में इलेटर्स की गति, शुष्क होने पर फलों का प्रस्फुटन इत्यादि। और दूसरी होती है इसमें मैकेनिकल। मैकेनिकल में जैसे बालसम के फलों, कवकों के एसआई तथा पाइलोबोलस की स्पोरेंजिया का फटना, ये सब जो है मैकेनिकल मोमेंट में आती है। अब मैं आपको जो वाइटल मोमेंट है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। वाइटल मोमेंट जो है जैविक गतियां जीव द्रव्य की इरिटेबिलिटी यानी उत्तेजनशीलता से संबंधित होती है, और ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मोमेंट ऑफ लोकोमोशन सबसे पहले, तो जो मोमेंट ऑफ जो लोकोमोशन है वो भी फर्दर जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑटोनॉमिक यानी स्पॉन्टेनियस और पैराटोनिक यानी टैक्टिक या इंड्यूस्ड लोकोमोशन। तो सबसे पहले जो है आपको मैं जो ऑटोनॉमस और जो स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट है इसके बारे में जानकारी दूंगा। ये गतियां आंतरिक परिवर्तन अथवा उद्दीपनों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ये है कई प्रकार की होती है। सबसे पहले है इसमें सीलियरी मूवमेंट। इस प्रकार की गति कशाभिकाओं की गति के फलस्वरूप होती है। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास, एंथोजोइट्स और जूस्पोर्स। आपने दोस्तों एल्गी में पढ़ा होगा कि एल्गी में ऐसे बहुत सारे एल्गी होती हैं जो मूवमेंट करती हैं, तो वो अपने जो है सीलिया के द्वारा, फ्लेजिला के द्वारा वो गति करती हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो आपके सीलियरी मूवमेंट कहलाती है। दूसरा होता है इसमें अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट जो है सूडोपोडिया के बनने से होती है। उदाहरण के लिए जो स्लाइम मोल्ड्स है, आपने स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा होगा, अवपंख जो कवक होती है उसमें जो गति होती है वो आपके इसमें जो है वो सूडोपोडिया के द्वारा यानी जो प्रोटोप्लाज्मिक जो रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से इसमें होती है। नेक्स्ट इसमें है प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। प्रोटोप्लाज्म में कोशिका में जीव द्रव्य वैक्यूल्स के चारों ओर भ्रमण करता है। इसमें भी आपके दो प्रकार से है, एक रोटेशन है और दूसरा सर्कुलेशन कहलाता है। इसमें रोटेशन में जो है कोशिका में जीव द्रव्य वैक्यूल्स के चारों ओर भ्रमण करता है। रोटेशन में जो जीव द्रव्य है वो रस धानियों के चारों ओर एक ही दिशा में घूर्णन करता है, जैसे कि हाइड्रिला और इलुडिया। और जो परिसंचरण है, सर्कुलेशन है, इसमें कोशिका में जीव द्रव्य अनेक रस धानियों के चारों ओर में भिन्न भिन्न दिशाओं में ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए ट्रेडिस के निशान में जो पुंकेसरी रोम है और जो कोकरबिटेसी के जो स्तंभ रोम है, इस प्रकार इनमें जो है सर्कुलेशन मूवमेंट पाया जाता है। इसमें अगला है एक्सक्रीटरी मूवमेंट। तंतु के एक तथा अथवा दूसरी और उत्सर्जी पदार्थ की उपस्थिति में नील हरित शैवाल में ऑसिलेटरी का शीर्ष भाग पेंडुलम की भांति दाएं से बाएं घूमता है, इसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी मूवमेंट। अब मैं आपको जो इंड्यूस्ड मूवमेंट है इसके बारे में यानी जो पैराटोनिक मूवमेंट है या जो टैक्टिक मूवमेंट है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये भी आपके इसमें जो है तीन प्रकार के हैं। फोटो टैक्टिक मूवमेंट, ये गतियां प्रकाशिक उद्दीपनों यानी जो इंड्यूस्ड मूवमेंट है, इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ द लोकोमोशन है। बाह्य उद्दीपन जैसे तापमान, प्रकाश रसायन
इत्यादि के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न गतियों को चलन की अनुप्रेरित गतियां कहते हैं। इन्हें टैक्टिक मोमेंट भी कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फोटोटैक्टिक मोमेंट। फोटोटैक्टिक मोमेंट ये गतियां प्रकाशिक उद्दीपनों की अनुक्रिया के फलस्वरूप संपन्न होती है। अनेक सूक्ष्मदर्शी शैवाल धीमे से तीव्र प्रकाश की ओर अर्थात धनात्मक तथा तीव्र से धीमे प्रकाश की ओर अर्थात ऋणात्मक गति प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, वोल्वॉक्स है, एंथ्रोजोइट्स है और जूस्पोर्स इत्यादि है। दूसरी है इसमें आपके थर्मोटैक्टिक मोमेंट। ये गतियां तापीय उद्दीपन से उत्पन्न होती है, उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास। आपने देखा होगा कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर जैसे हम एक बीकर में क्लेमाइडोमोनास लेते हैं और उसके एक तरफ अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर क्रिएट करते हैं तो सारे के सारे जो क्लेमाइडोमोनास है उनकी गति टेम्परेचर की ओर जो गर्म जल की ओर उसमें हो जाती है। इसका मतलब ये जो है आपके थर्मोटैक्टिक मोमेंट है और ये तापीय जो उद्दीपन है उससे उत्पन्न होती है। तीसरा है इसमें कीमोटैक्टिक मोमेंट। किसी रसायन के प्रति अनुक्रिया के कारण उत्पन्न गति को कीमोटैक्टिक मोमेंट कहते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा में जो नरयुग्मक है वो स्त्रीधनियों की गीवा की के मुख पर उत्पन्न जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के प्रति जो है अनुक्रिया के फलस्वरूप गति करते हैं। ये आपके ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स में पढ़ा होगा कि जो जितने भी मेल गैमेट्स होते हैं इनमें उनकी गति जो है वो आपके कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से होती है। और जो ब्रायोफाइट्स है इन ब्रायोफाइट्स में जो आर्चिगोनी है स्त्रीधानी है उनकी जो नेक कैनाल सेल्स वो डिजोल्व हो जाती है और नेक कैनाल सेल्स के डिजोल्व होने से एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो है वो नेक से बाहर निकलता है जो उम्मणुओं को यानी मेल गैमेट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये है आपके कीमोटैक्टिक मूवमेंट। इसके अलावा रियोटैक्टिक मूवमेंट जल तरंगों के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गति को रियोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, जैसे जलीय अवतरी पार्क में। चौथा पांचवा है इसमें गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट। यह गति विद्युत तरंगों के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप प्रकट होती है, उदाहरण के लिए कुछ जीवाणु बल्ब कैल्स के सदस्य आदि। अब मैं आपको बताऊंगा मोमेंट ऑफ कर्वेचर। मोमेंट ऑफ कर्वेचर जो है इस प्रकार की गतियां वक्रण या झुकाव अथवा पादप अंगों किसी विशेष दिशा में ओरिएंटेशन के रूप में परिलक्षित होती है। वक्रण गतियां दो प्रकार की होती है, स्वतः प्रेरित वक्रण गतियां और अनुप्रेरित वक्रण गतियां, स्पॉन्टेनियस और जो है आपके पैराटोनिक यानी टैक्टिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट। तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ जो कर्वेचर है इसमें है ऑटोनॉमस कर्वेचर मूवमेंट। इस प्रकार की गति पादप में आंतरिक परिवर्तन अथवा उद्दीपनों से उत्पन्न होती है। इन्हें किसी बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः प्रेरित वक्रण गतियां भी जो है इसमें दो प्रकार की होती है। सबसे पहले है इसमें ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ वेरिएशन यानी स्वतः परिवर्तन गतियां। स्वतः परिवर्तन गतियां कोशिकाओं में स्थित के परिवर्तन से उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें टर्गर मोमेंट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए इस प्रकार की गतियां डेस्मोडियम गायरेंस में देखी जा सकती है। इस पादप में दो पार्श्व पर्ण दिन के समय ऊपर नीचे गति करते दिखलाई देते हैं। एक चक्कर जो है 5 से 8 मिनट में संपन्न होता है। इस पादप में पर्णकों की गति झटके से उत्पन्न होती है, यही कारण है कि इसे टेलीग्राफिक प्लांट कहते हैं। पर्णकों के आधार पर पर्णवंत तल्पों यानी पल्विनाई में उत्पन्न स्थित परिवर्तन के कारण पर्णकों में यह गति होती है। दूसरा है इसमें दोस्तों ऑटोनॉमस मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ऑटोनॉमस स्वतः वृद्धि गतियां दो क्षेत्रों में वृद्धि के अंतर के कारण होती है, यह निम्न प्रकार की होती है। दूसरा है पहला है इसमें म्यूटेशन। म्यूटेशन इस प्रकार की गति आड़ी टेढ़ी होती है। ये दो पार्श्व सत्वों में एकांतर क्रम में असमान वृद्धि के कारण होती है। उदाहरण के लिए कुकुरबिटेसी के स्तंभ आरोही पर्ण प्रतान मूल भूस्तरी यानी स्टोलन पर्णवंत कवक में बीजाणु धनिधर तथा तंतु में शैवाल में इस प्रकार की गतियां पाई जाती है। दूसरी होती है इसमें हाइपोनेस्टी एंड एपिनेस्टी। हाइपोनेस्टी और एपिनेस्टी में जो है
किसी पादप अंग के ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि होने के कारण नीचे की तरफ अधिक वृद्धि होने से वक्रण नीचे की ओर होता है। इस प्रकार की गति को जो है एपिनेस्टिक कहते हैं, यानी अधोकुंचन। उदाहरण के लिए पुष्प कलिकाओं का खुलना, यदि अधिक वृद्धि पादप अंग के निचले सतह पर होती है तो इस प्रकार की गति को जो है हाइपोनेस्ट यानी अधो वृद्धि वर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए बंद पुष्प कलिका फण की प्रण में कुंडलित किसले विन्यास यानी सिसिनेट वर्निशन। दूसरी दोस्तों होती है इसमें पैराटोनिक और इंड्यूस्ड कर्वेचर मूवमेंट। प्रेरित वक्रण गतियां बाह्य उद्दीपनों से उत्पन्न होती है जो कि यूनिडायरेक्शनल या डिफ्यूज्ड होती हैं। ये गतियां भी दो प्रकार की इसमें होती है। पहली होती है अनुवर्तनी गतियां यानी ट्रॉपिक मूवमेंट, डायरेक्टिव मूवमेंट। दोस्तों ये इन गतियों में उद्दीपन जीव द्रव्य पर एक दिशा में कार्य करता है तथा तो अनुक्रिया का उद्दीपन उद्दीपनों से सीधा संबंध होता है। सबसे पहले है फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म। प्रकाशानुवर्ती गति में मुख्य स्तंभ एक दिशीय उद्दीपन से प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। परंतु मूल एवं मूलाभास प्रकाश उद्दीपन के विपरीत मुड़ जाते हैं, इसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्रकाश के समांत पादप अंग की स्थिति को शुद्ध प्रकाश अनुवर्तन यानी ऑर्थो फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। उदाहरण के मुख्य स्तंभ यदि पादप अंग की गति प्रकाश स्रोत के समकोण पर व्यवस्थित होती है तब इसे डायफोटोट्रॉपिज्म यानी अनुलंबा प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। उदाहरण फर्ण में यदि यह गति प्रकाश स्रोत के किसी भी कोण पर व्यवस्थित हो तो इसे त्रिरेख प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म के बाद में है जियोट्रॉपिज्म। गुरुत्वानुवर्तन शब्द जो है वो है फ्रैंक द्वारा 1868 में दिया गया। गुरुत्वानुवर्ती गतियां गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति अनुक्रिया फलस्वरूप संपन्न होती है। स्तंभ जो है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दर्शाता है क्योंकि इसकी वृद्धि जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर होती है। मूल में वृद्धि मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होती है, इसलिए इसे जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। यदि किसी पादप अंग की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण बल के संपूर्ण दिशा में होती है तब इसे अनुलंब वानुवर्तनी गति यानी डाइजियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए राइजोम स्टोलन इत्यादि पादप अंग की वक्रण गुरुत्वाकर्षण बल से 0 से 90 डिग्री या 90 से 180 डिग्री कोण बनाते हुए हो तब इसे त्रिरेख जो है गुरुत्वानुवर्ती यानी प्लेजियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब है इसमें हाइड्रोट्रॉपिज्म। जलानुवर्तन वे गतियां जो जल उद्दीपन के कारण होती हैं जलानुवर्तन गतियां कहलाती हैं। इस प्रकार की गतियों का सर्वप्रथम प्रदर्शन जोहनसन ने किया। उदाहरण मूल जल की और गति करती है, इसलिए यह जो है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है। नेक्स्ट है इसमें थिग्मोट्रॉपिक यानी हेप्टोट्रॉपिक मूवमेंट। स्पर्शानुवर्तन स्पर्श या घर्षण के उद्दीपन से पादपों में होने वाली गति को स्पर्शानुवर्तन यानी थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए कुकुरबिटेसी कुल के पादप किसी ठोस आधार पर प्रतालों द्वारा लिपटकर आरोहण करते हैं। पादप का वह भाग जो आधार के संपर्क में नहीं होता उसकी वृद्धि तीव्र तथा आधार के संपर्क वाले भाग में वृद्धि धीमी होती है। यही कारण है कि प्रतान आधार के चारों ओर कुवलित हो जाता है। ड्रोसेरा के स्पर्शक का मुड़ना तथा डायनिया की प्रण स्पर्शानुवर्तन के कारण बंद हो जाती है। नेक्स्ट इसमें है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में किसी रसायन के उद्दीपन के कारण होने वाली गति को कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रागनली की वर्तिका से वर्तिका में वृद्धि, जैसे कि आप डायग्राम में इसमें देख पा रहे हैं फ्लावर शोइंग कीमोट्रॉपिज्म।
इसके बाद में है थर्मोट्रॉपिक मूवमेंट। थर्मोट्रॉपिक बोलते हैं तापानुवर्तन गतियां। तापानुवर्तन गति पादप अंग के एक तरफ ताप परिवर्तन से गति को कहते हैं। दिन के समय एनिमोन स्टिलेटा ट्यूलिप सिल्वेस्ट्रस में पुष्पक्रम व्रंथ सूर्य की तरफ मुड़ा रहता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रकाशानुवर्तन है जिसमें अवरक्त विकिरणों के प्रति अनुक्रिया होती है। अब मैं आपको नास्टिक मोमेंट यानी नॉन डायरेक्शनल मोमेंट के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार की गतियां विस्तृत उद्दीपन के कारण उत्पन्न होती है। इन गतियों के में अनुक्रिया का उद्दीपन की दिशा से कोई संबंध नहीं होता। प्रकाश, तापमान, स्पर्श, जल इत्यादि यह निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले इसमें है आपके नास्टिक मोमेंट में सिस्मो नास्टिक मोमेंट। छुई की पत्तियों को छूने अथवा फूंक मारने, विद्युत के तथा रासायनिक उद्दीपन देने पर यह बंद हो जाती है। उद्दीपन से प्राणवंत तल्पों की ऊपरी सतह की कोशिकाओं का स्फीत दाब कम हो जाता है जिससे पिच्छिकाएं यानी पिन्यूल्स मुड़ जाती है तथा आधारित भाग की निचली कोशिकाओं में स्फीत दाब कम होने से प्राण झुक जाते हैं। उद्दीपन तीव्र होने की दशा में बहुत से प्राण झुक जाते हैं। ये उद्दीपन 1.3 से 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से प्रसारित होता है तथा अनुक्रिया में सिर्फ जो है 0.1 सेकंड लगता है। छुई मुई के प्राणवंत के आधार पर एक फूली हुई संरचना जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है, मृद की कोशिकाओं से बनी होती है, पाई जाती है। इसे जो है पल्विनस कहते हैं। इसमें से होकर जल का आदान प्रदान प्राणवंत तथा पिच्छिकाओं में होता है। पिच्छिकाओं को छूने से पिच्छिकाओं एवं जल के स्फीत दाब में परिवर्तन होता है। पिच्छिकाओं में ऊपरी सतह तथा प्राणवंत में निचली सतह में सिकुड़न होती है जिससे पूर्ण पत्ती में कुंचन हो जाता है। इस प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का प्रयोग होता है। जल के पुनः पिच्छिकाओं एवं प्राणवंत में गमन से वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा निशानुकुंचन गतियां यानी निक्टिनास्टिक स्लिपिंग मूवमेंट। कुछ पादपों में पुष्प एवं पत्तियों की स्थिति रात्रि एवं दिन के समय बदलती रहती है। इस प्रकार की गति को निशानुकुंचन गति कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है। पहली है फोटोनास्टिक मूवमेंट। यह गति प्रकाश उद्दीपन से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए दिन के समय पत्तियों तथा पुष्पों का खुलना तथा रात्रि में बंद होना। एग्जाम्पल ऑक्सलिस कि पत्तियों में इस प्रकार की गतियां पाई जाती है। इन्हें स्वपन गतियां यानी स्लीपिंग मूवमेंट भी कहते हैं। दूसरी है थर्मोनास्टिक मूवमेंट। ट्यूलिप एंड क्रोकस के पुष्प उच्च ताप पर खुलते हैं तथा निम्न ताप पर बंद होते हैं। और तीसरा है इसमें है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट में ड्रोसेरा की सीमांत ग्रंथिलोम किसी बाह्य वस्तु अथवा कीट के संपर्क में आने पर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। इस प्रकार की गति को जो है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपना व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।